हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ राहुल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वद्सा यस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है तो अभी हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास लेकिन अभी उसको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा आगे की क्लासेज उसकी आएंगी लेकिन आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है सी के लिए तो आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे चाहे यू का एग्ज़ाम दें या फिर यू का एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे आपको एक पेपर मिलता है प्रीमे सी साइट के लिए तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट साइड के होते हैं जो जिन्होंने इंटर में साइंस मैथ तो छोड़िए साइंस भी नहीं पढ़ी होती है उन्होंने तो उस केस में उन्हें मैथ्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हीं सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हमने आज स्टार्ट करने का फ़ैसला लिया है कि सी सैट की मैथ को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और मैथ्स की क्लासेज यहाँ से स्टार्ट होंगी आज से ठीक है वस यूट्यूब चैनल में सी सेट की क्लासेज आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और सी सेट में अभी हम पहला सब्जेक्ट मैथ ले रहे हैं तो मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ठीक है ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों की सी सेट की क्लास स्टार्ट की जा रही है ठीक है सी है मैथ्स में हम एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग से एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से तो सिंपल कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला आएगा वो है आपका नंबर सिस्टम ठीक है नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति ठीक थी, है तो स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम ठीक है तो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ अभी मैं बेसिकली ये हिंदी मीडियम के लिए मैं क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बाद में क्लासेज जाएंगे हालांकि हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड में पढ़ाया जाएगा ठीक है बीच बीच में इंग्लिश वर्ड भी यूज होंगे हिंदी मीडियम में लेकिन बेसिकली ये हिंदी मीडियम के लिए ही क्लासेज हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बाद में क्लासेज जाएंगी ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं संख्या पद्धति क्या है स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति है क्या तो संख्या पद्धति में आप देख देखेंगे कुछ ऐसी संख्याएं अलग अलग प्रकार की उनके क्या क्या नियम हैं और उन संख्याओं का क्या क्या आपस में संबंध है ठीक है इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में ठीक है नंबर सिस्टम यानि कि सिस्टम ऑफ नंबर्स ठीक है तो इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ ठीक है संख्या पद्धति की क्या डिफिनेशन हुई विभिन्न सॉरी विभिन्न प्रकार की संख्याओं उनके संबंधों उनके संबंध मतलब उन संख्याओं के बीच के संबंध ठीक है उनके संबंधों और नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन क्या है संख्या पद्धति ठीक है अब आगे चलते हैं इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना है संख्या पद्धति की डिफिनीसन आपसे पूछी नहीं जाएगी ठीक है लेकिन ये सिंपल नॉलेज है इसलिए जानना चाहिए पहली क्लास है इसलिए बता दे रहा हूँ विभिन्न प्रकार की संख्याओं उनके संबंधों और नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन संख्या पद्धत कहलाती है ठीक है आगे का नहीं लिखा है आप लिख लिखना चाहें तो लिख लीजिए विभिन्न प्रकार की संख्याओं उनके संबंधों और नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन संख्या पद्धत कहलाता है ठीक है अगला देखते हैं दार्श्मिक पद्धति ठीक है ये क्या है भाई साहब ये दार्शमिक पद्धति क्या है देखिए आप लोगों ने मैथ में जितने भी संख्याएं पढ़ी होंगी चाहे छोटी सी छोटी या बड़ी से बड़ी दस नंबर उसमें बार बार आएंगे उन्हीं दस नंबर से ही मिलकर सारी संख्याएं बनती हैं ठीक है बेसिक नंबर जिसे कहा जाता है कौन कौन सी हैं सिर्फ नौ सॉरी दस संख्याएं हैं कौन कौन सी जीरो से लेकर नौ तक जितनी भी संख्याएं बनेंगी आप मैथ में देखेंगे चाहे वो लाख में हो हजार में हो करोड़ में हो अरब में हो कोई भी संख्या होगी वो दस अंकों से मिलकर बनी होगी तो कौन कौन सी संख्याएं हैं इसको लिख लीजिए ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितनी है टोटल गिन भी सकते हैं आप ठीक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है तो दस संख्याएं कितनी भी बड़ी संख्याएं लेंगे कुल मिला के इन्हीं दस संख्याओं से ही सारी संख्याएं बनती हैं तो दार्शनिक पद्धति क्या है एक ऐसी पद्धति जिसमें नंबर्स को इन्हीं दस संख्याओं के इन्हीं संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या फिर कह सकते हैं कि जिस पद्धति में इन्हीं दस संख्याओं या अंकों का प्रयोग करते हुए मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि गणती गणनाएँ की जाती हैं या फिर नंबर्स का नंबर्स की स्टडी की जाती है, है अध्ययन किया जाता है उसको दार्श्मिक पद्धति कहा जाता है सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे दस नंबर हैं इसलिए इसको दार्श्मिक पद्धति कहा जाता है क्यों क्योंकि इन्हीं दस संख्याओं से सारे नंबर्स बनते हैं बस सिंपल सी चीज़ यही इतना है ठीक है अब दार्श्मिक पद्धति के गुण देख लेते हैं इसके क्या क्या गुण हैं पहली चीज़ तो इसमें दस संख्याओं का प्रयोग होता है जीरो से लेकर ना ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ तो यही पहला गुण ही है इसका लिख लीजिए आप ठीक है इसमें जीरो से लेकर नौ तक इन इन्द, इन दस संख्याओं का प्रयोग होता है ठीक है जीरो से नौ में कौन कौन सी आएंगे यही सिंपल है सब लोग जानते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है आगे चलते हैं अगला गुण लेते हैं इसका सं इस संख्या पद्धति की दार्शनिक पद्धति का एक और विशेष गुण है कि इसमें जब भी नंबर लिखते हैं वो दाहिने से बाई ओर जब जाएंगे तो हमारा शुरुआत इकाई से होता है और उसके बाद दस दस गुने की बढ़ोतरी होती जाती है जैसे ठीक है ये नंबर मैंने लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब एक लाख तेईस हजार चार सौ छप्पन ठीक है तो इसमें आप देखेंगे सिक्स का तो ये सिक्स है इकाई फाइव है दहाई ठीक है फोर है सैकड़ा थ्री है हजार ठीक है दस दस गुने की बढ़ोतरी हो रही है ठीक है पांचवे पे आता है दस हजार पाँचवें कौन है दो तो ये है दस हजार हजार नहीं दस हज़ार ठीक है दस हजार और लास्ट में कौन आता है वन वन मतलब ये किस स्थान पे ये लाख के स्थान पर है वन की जो इसका स्थानीय मान है वो एक लाख है ठीक है लिख लीजिए ठीक है ये हालांकि स्थानीय मान मैं आपको बताऊंगा वन लाख इसका स्थानीय मान है लेकिन अभी इस इसको लिखिए सिर्फ लाख ठीक है तो ये दशमिक पद्धति का एक गुण है कि हम स्टार्टिंग करेंगे पहला इकाई होता है दूसरा दहाई का नंबर होता है तीसरे सैकड़े का चौथा हजार का पांचवा दस हजार का छठा लाख का फिर उसके बाद दस लाख का फिर करोड़ का फिर दस करोड़ का फिर अरब का फिर दस अरब का ऐसे चलता चला जाएगा ये तो ये भी दार्शिक पद्धति का एक गुण है इसको भी आप लिख लीजिए ठीक है इसमें संख्याओं को लिखते समय दाएं से बाएं और का क्रम इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार फिर एंड सुवान लिख दिया इसका मतलब लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ एंड सुवान ठीक है ये सब होता है दाएं नहीं दाएं ठीक है दाएं से बाएं का क्रम इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब यही होता है ठीक है और एक इसका तीसरा गुण क्या है इसमें आप लोगों ने देख लिया होगा इकाई पे, दहाई पे, फिर सैकड़ा पे आप लोग देखेंगे सब में एक चीज़ होता है जो इकाई से हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद दहाई पे, जाएं, पे जाएंगे सैकड़ा पे जाएंगे तो इसमें एक आपको नियम पता चलेगा नियम कह सकते हैं या फिर क्वालिटी कह सकते हैं या इस्पेशलिटी कह सकते हैं इसमें ये स्पेशियलिटी इस कि जितने भी बार आप एक कदम बाएं जाएंगे, उतनी बार नंबर के प्लेस वैल्यू में दस गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी मतलब कि इकाई पे स्थानीय मान सेम वही रहेगा जैसे सिक्स का है तो सिक्स ही फाइव का देखेंगे तो यहाँ पे फाइव का जो वैल्यू हो जाएगा वो फिफ्टी है यहाँ पे प्लेस वैल्यू फाइव की और फोर पे जाएंगे तो फोर पर फोर हंड्रेड हो जाएगा फिर थ्री पर थ्री थाउजेंड हो जाएगा मतलब इकाई इकाई मतलब एक दहाई मतलब दस सैकड़ा का मतलब सौ हजार का मतलब एक हजार ठीक है देख रहे हैं हर बार दस गुना की बढ़ोतरी होती जा रही है तो इसको भी लिख लीजिए ठीक है सिंपल सी चीज़ है ये हालांकि क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बच्चों की ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ठीक है एकदम सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ लेकिन मैं एकदम इजी वे में एकदम सरल वे में आप लोगों को सरल तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ इसलिए एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से देखिएगा फिर चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी जिससे अगर आप स्टार्टिंग इजी तरीके से समझे लेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी बाद में चीज़ें और भी आसान होती जाएंगी आपके लिए ठीक है तो तीन गुण हैं दार्शनिक पद्धति के मैं तीनों एक बार बता दे रहा हूँ देखिए पहला गुण है कि नंबर में दस इसमें जो भी नंबर्स यूज होंगे जीरो से लेकर नौ तक इन्हीं दस नंबर का यूज होगा दूसरा है इन संख्याओं पर इन संख्याओं इस पद्धति में जब संख्याओं को लिखा जाता है तो किनारे मतलब दाएं से बाएं और लिखेंगे तो दाएं से इकाई से स्टार्ट होगा फिर दहाएँ सैकड़ा हज़ार ऐसे चलता जाएगा और तीसरी क्वालिटी है कि जितनी भी बार एक अंक आगे बढ़ेंगे हर बार अंक के मान में दस गुना की बढ़ोतरी होती जाएगी कैसे होगी ये चीज़ मैं दिखा चुका हूँ अगर किसी को डाउट है तो आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ से आपकी पूरी सहायता होगी ठीक है तो इतना मैं समझ रहा हूँ आप लोग समझ चुके होंगे और अगर इसको नोट्स में लिखना चाहें तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोटबुक में लिख लीजिए अपने आगे चलते हैं ठीक है अंकों के मान देख लेते हैं अंक का मान क्या होता है यह दो टाइप का होता है एक तो होता है वास्तविक मान और दूसरा होता है स्थानीय मान ठीक है लिख लीजिए पहले फिर बताता हूँ ठीक है वास्तविक मान और स्थानीय मान हर अंग के दो प्रकार के मान होते हैं एक होता है वास्तविक मान और एक होता है स्थानीय मान तो वास्तविक मान जो होता है ये हर हालत में किसी भी प्रकार से कहीं पे भी नंबर हो तो उसका वास्तविक नाम सॉरी वास्तविक मान एक ही रहेगा जो रहेगा उसका वही सेम वही नंबर वही मान वही वैल्यू हमेशा रहेगा और लेकिन जो स्थानीय मान है ये उसकी पोजीशन पे उसकी प्लेस पे डिपेंड करेगा ठीक है हर प्लेस पे उसकी वैल्यू बदलती जाएगी कैसे आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं ठीक है टू फोर थ्री सिक्स फाइव ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव चौबीस हजार तीन सौ पैंसठ एक नंबर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है अगर हम इसमें पूछते हैं फोर के बारे में तो फोर का अगर वास्तविक मान कहें तो वो होगा चार ठीक है फोर का वास्तविक मान क्या है चार लेकिन अगर इसकी प्लेस वैल्यू कहेंगे तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे चार नहीं है बेटा यहाँ पे चार नहीं होगा बच्चों यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों चार हजार ठीक है कैसे देखिए यहां इकाई है यहाँ दहाई है फिर सैकड़ा है फिर हजार है अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि चौथे स्थान पर हजार आता है तो जो चार है ये फोर है ये चौथे स्थान पर है बच्चों तो चार इसकी प्लेस वैल्यू ऐसे निकलेगी फोर इंटू वन थाउजेंड क्योंकि चौथे स्थान पर थाउजेंड होता है अभी मैंने बताया था तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी फोर थाउजेंड ठीक है फोर थाउजेंड यानी कि चार हजार तो आपने देखा इसका वास्तविक मान जो है ये फोर चाहे यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा इधर रहेगा कहीं भी आप रख दीजिए लेकिन इस फोर की वैल्यू जो रियल वैल्यू है वास्तविक मान है वो कभी नहीं बदलेगा वो चार ही रहेगा लेकिन अगर प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान की बात करें तो हर बार बदल के हो जाएगा अलग अलग जैसे यहाँ पे फोर है तो फोर थाउजेंड तीसरे नंबर पे होता है यानि सैकड़ा के स्थान पे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती थ्री हंड्रेड यानी कि तीन सौ ठीक है तो समझ के वास्तविक मान और स्थानीय मान आइए देखते हैं एक और नंबर लेते हैं एक नंबर और मैंने लिख दिया थ्री टू थ्री फोर तो अगर मान लीजिए इसमें थ्री का वास्तविक मान पूछा जाए तो इसका भी वास्तविक मान थ्री ही होगा इस थ्री का भी वास्तविक मान थ्री होगा लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछ ली जाए स्थानीय मान तो ये वास्तविक मान से डिफरेंट हो जाएगा कैसे ये वाला थ्री जो है ये है दहाई के स्थान पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री इंटू टेन और ये वाला थ्री जो है ये थाउजेंड के स्थान पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री थाउजेंड ठीक है आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या है वास्तविक मान तीन इसका भी है तीन इसका भी है लेकिन स्थानीय मान इसका तीस हो जाएगा और इसका तीन हजार क्यों क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है और ये वाला हजार के स्थान पर है आइए प्लेस वैल्यू निकालना में आपको तो देखते हैं प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं प्लेस वैल्यू का एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं आसानी समझ में आएगा ठीक है ये एक नंबर मैंने ले लिया नाइन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन अपने मन से कोई भी एक नंबर उठा लिया अब इसमें हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू अलग अलग होगा वास्तविक मान तो आपको पता ही है जो नंबर लिखा है सेम वही उसका मान होगा लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगी देख आइए इसको देख लीजिए जो पहला नाइन है ये है इकाई के स्थान पे तो इसका प्लेस वैल्यू नाइन सेवन का देखते हैं जो सात है सेवन है ये है दहाई के स्थान पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू टेन से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे दस से गुणा कर देंगे सात दहाम सत्तर ठीक है तीसरे स्थान पे सिक्स है यानी कि ये सैकड़ा के स्थान पे है तो सिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे सैकड़ा का मतलब हंड्रेड से देखिए देखिए ठीक है फाइव जो है थाउजेंड के स्थान पे है इसलिए इसका स्थानीय मान निकालने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फाइव थाउजेंड ऐसे ही फोर का टेन थाउजेंड से करना पड़ेगा थ्री का वन लाख से, से करना पड़ेगा टू का टेन लाख से करना पड़ेगा और नौ का लास्ट वाले नाइन का करोड़ से करना पड़ेगा तो मैं इसको करते जा रहा हूँ आप देखते रहिए ठीक है इसको चेक भी कर लीजिए थ्री इंटू वन लैक्स यानी कि थ्री लैक्स आना चाहिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख एक ज़्यादा हो गया ठीक है इस जीरो को हटा दीजिए ठीक है ये जीरो गलत ठीक है यहाँ तक नंबर होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख ठीक है तीन लाख इस यहाँ पे ये दस लाख की जगह पे है तो इसलिए दस लाख से मल्टीप्लाई करेंगे हजार दस हजार लाख दस लाख ठीक है तो यहां पे बीस लाख हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख ठीक है आगे चलते हैं नाइन जो है करोड़ की जगह पे इसलिए इसमें करोड़ का गुणा होगा ठीक है एक करोड़ है ये चेक कर लीजिए इकाई दहाई, सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ ठीक है अब इसमें एक करोड़ से गुणा हो जाएगा तो ये नौ करोड़ हो जाएगा ठीक है तो चेक कर लीजिए नाइन वाले का भी इकाई दहाई, सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ एक करो यहां पे नाइन की प्लेस वैल्यू नाइन इंटू एक करोड़ तो हो जाएगा नौ करोड़ देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दस लाख करोड़ ठीक है तो ये नौ करोड़ हुआ नाइन की प्लेस वैल्यू टू की हुआ ट्वेंटी लैक्स फोर का हुआ थ्री का भी देख लेते हैं थ्री का हुआ थ्री लैक्स तीन लाख फोर का हुआ फोर्टी थाउजेंड चालीस हज़ार फाइव का हुआ फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड मतलब पाँच हज़ार सिक्स का हुआ सिक्स हंड्रेड छः सौ सेवन सेवन का हुआ सेवेंटी सत्तर नाइन इक्या फिर नाइन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ देखिए नौ का स्थानीय मान नौ सात का सत्तर छः का छः सौ पाँच का पाँच हजार चार का चालीस हजार तीन का तीन लाख दो का बीस लाख हो गया नौ का नौ करोड़ स्थानीय मान एक बहुत बड़ी नंबर मैंने इसलिए ली थी कि जिस जिससे कि आपको एक बार में ही पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए ठीक है एग्जाम्पल में कुछ दे रहा हूं आप इसको घर पर कर लीजिएगा इसका स्थानीय मान हर एक नंबर निकाल लीजिएगा ठीक है इन साथ तीनों नंबर का आप स्थानीय मान निकाल लीजिए घर से ठीक है नंबर बोल दे रहा हूँ थ्री टू थ्री वन सिक्स फाइव टू वन फाइव टू थ्री वन सिक्स फाइव वन सिक्स ठीक है तो आप इसको घर कर लीजिएगा अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है ये बेसिक वीडियो था संख्या पद्धति का और इसके आगे भी वीडियो आएंगे। तो सी साइड की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं आपकी और वीडियो का आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपके दोस्त हैं मित्र हैं फ्रेंड हैं उनको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को बच्चे को सी की क्लासेज फ्री में अवेलेबल हो जाए तो जुड़े रहिए बदसाइत से सी सैड की क्लासेज आपकी स्टार्ट हो गई हैं आगे और भी आएंगे, धन्यवाद